SHO रंग महल जाहिद की गाड़ी पर मुरीदके के करीब फायरिंग। SHO अपने मुहाफिज समेत कातिल मुल से मौका वारदात से फरार हो गए। मेयर का बराह रास्त जमाती बुनियादों पर इलेक्शन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वासा डेवलपमेंट अथॉरिटीज, PHA बल्दियाती हुकूमतों के मातहत होंगे। शहरी इलाकों में टाउन काउंसिल और देही इलाकों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म। नए बल्दियाती निजाम के तहत तहसील और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कायम होगी। वजीर आजम ने पंजाब के नए बल्दियाती निजाम की मंजूरी दे दी। मुसवदा कानून पंजाब काबीना और फिर पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। जराए पंजाब हुकूमत पुलिस बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत नहीं होगी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन बुकला से मिलने दिया जाता है। दीगर मुलजमान कई कई दफा अपने बुकला से मिलते हैं। साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान ने नैब पर तासु बरतने का इल्जाम लगा दिया। जब से नैब बनी है ये कवानीन चले आ रहे हैं, आप दरख्वास्तें देख लेंगे। एहतसाब अदालत पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों के केस में मुजाहिद कामरान समेत 6 मुलजमान का मजीद 15 रोजा जुडिशल रिमांड जेल भिजवा दिया गया। अदालत ने समाप्त 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। करप्शन के इल्जामात नैब के रिडार पर मौजूद था। साबिक अफसरान को गिरफ्तारी का खौफ सताने लगा। साबिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर अली रांझा ने नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त हाईकोर्ट में दायर कर दी। नैब ने बेबुनियाद इल्जाम पर तलबी का नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की जाए, साबिक DG एंटी करप्शन की इस्तदा। मतरूका वक्फ अमलाक में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने केस पर मजीद समा 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ हाशमी पर पहले ही फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। हुकूमत मान रही है ना ही अफसरान पीछे हट रहे हैं। PMS अफसरान का जुम्मा के रोज 5 मिनट खामोश एहतजाज दोबारा शुरू करने का फैसला। मुतालिबात की मंजूरी तक दफातर में अलामती एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में PMS की अदम नुमाइंदगी पर तहफुजात हैं। PMS एसोसिएशन सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर जमनी इलेक्शन। उम्मीदवारों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इलेक्शन 15 नवंबर को पंजाब असेंबली में होगा। पीपल्स पार्टी का नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला, जराए का दावा। पीपल्स पार्टी जल्द बाजाब्ता ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून के सऊद मजीद और सायरा अफजल तारड़ दौड़ में शामिल। लाहौर में मुसाफिर खानों की तामीर की जानी पहला कदम। जिला इंतजामिया और LDA ने 5 मुकामात पर जगह की निशानदेही कर दी। लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, बादामी बाग, दादा दरबार और ठोकर न्यास बेग में मुसाफिर खाने बनेंगे। LDA जल्द मुसाफिर खानों की तामीर का आगाज करेगी। DC लाहौर साले सईद। शहर में हर रोज ट्रैफिक कवानीन की 3 लाख से ज्यादा खिलाफ वर्जियां। 140 मकामात पर सेफ सिटी के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग। 3 से 4 हजार ई चालान रोजाना किए जा रहे हैं। वीडियोज अदालत में पेश कर रहे हैं CEO सेफ सिटी अली आमिर वलेक। ई चालान सिस्टम और हेलमेट की पाबंदी से कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी आई। हादसात भी कम हुए। CTO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम जागो लाहौर में गुफ्तगू। तियांजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नए दाखिल होने वाले तलबा के एजाज में तकरीब। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। उस्ताद के एहतराम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, मियां असलम इकबाल। LDA के शोभा टाउन प्लानिंग का ऑपरेशन। जोहर टाउन और इलावाकपाल टाउन में मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। नक्शा कानून के खिलाफ वर्जी पर प्लॉट सर्वमोहर कर दिया गया।
मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर के करीब तेज रफ्तार कार ने रेस्क्यू मोटरसाइकिल इमरजेंसी सर्विस के अहलकार को टक्कर मार दी। अहलकार शदीद जख्मी, कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया। और मॉरल टाउन में तीन रोजा दाची आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल, दीदा जेब जेवरात खूबसूरत नक्शो निगाह से मुजयन, बर्तन तवज्जो का मरकज, कढ़ाई से मुजयन मलबूसात, शॉल्स और घरेलू दस्तकारी के शाहकारों ने हाजरीन के दिल मोह लिए।